हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफ रेखा। आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम खाना खजाना में। आज मैं आपके लिए कुछ जल्दी से बनने वाली ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। सैंडविचेस काफी अच्छे भी लगते हैं खाने में और बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। आज उसी में मैं आपको कुछ नई तरीके की सैंडविच बनाना सिखाने वाली हूँ। तो आइए आज आपको मैं सिखाती हूँ 3 तरह के सैंडविच जो बहुत इजीली बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कट टोस्ट बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं और काफी अच्छे लगते हैं खाने में और हेल्थी भी होते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कट टोस्ट कैसे बनाएंगे। हमने लिया 1 कप बंधा हुआ दही, इसमें मैंने डाला 1/2 कप बारीक कटा हुआ कुकम्बर, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया और नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। दही थोड़ा गाढ़ा लीजिए, पानी जैसा दही नहीं लेना है। इन सबको मिक्स कर लिया और अब इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे। ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड के ऊपर फैला दीजिए और इसके अंदर मैंने 1/2 कप कसा हुआ खोपरा भी डाला है। आप इस खोपरे को फ्रेश भी ले सकते हो और पाउडर वाला खोपरा जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हो। इसके अंदर मैंने 1/2 कप खोपरा पाउडर भी डाला है। इन सबको मिक्स कर लिया और इसको ब्रेड के ऊपर लगाया। कुछ इस तरह से सैंडविच करके इसको अब हम तवे के ऊपर सेकेंगे। सबसे पहले हम ऐसा एक तवा ले लेंगे, नॉनस्टिक पैन लिया हमने, उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। थोड़ा तेल डाल दीजिए, तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो थोड़ी हम इसके ऊपर राई डालेंगे। तेल गर्म हो गया, अब इसके ऊपर मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी राई और थोड़े से करी पत्ता, हाथ से तोड़ के कुछ इस तरह से करी पत्ता डाल दीजिए और ये ब्रेड इसके ऊपर रख दीजिए। कुछ इस तरह से इसको दबा दीजिए कि करी पत्ता और राई इसके ऊपर चिपक जाए। फिर हम ब्रेड को उठा लेंगे, फिर से थोड़ा तेल डालेंगे, फिर थोड़ी राई, फिर थोड़े से करी पत्ता और साइड बदल देंगे। कुछ इस तरह से हमने दोनों तरफ करी पत्ता और राई का तड़का लगा दिया। ऐसे एक साथ जब आप बनाते हो तवे के ऊपर तो उसको साइड में कर दीजिए। हम एक तवे पे 2 से 3 सैंडविच बना सकते हैं एक साथ। फिर हमने थोड़ा सा तेल लिया, करी पत्ता और दूसरी ब्रेड हमने इसके ऊपर रख दी। इसको भी सेम ऐसे ही हाथ में उठा के कुछ इस तरह से हमने लिया, फिर थोड़ा तेल डाला, फिर करी पत्ता और राई। अब आप दोनों ब्रेड को सेंटर में करके अच्छे से सेक लीजिए कम गैस पे। थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, कड़क हो जाएगी ब्रेड, दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएगी, तब हम इसको निकाल के केचप के साथ सर्व कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल गोल्डन कलर हो गए हमारे सैंडविच के। फिर इसको बाहर निकाल लीजिए। बिल्कुल क्रिस्पी भी हो गए और काफी अच्छे लग रहे दिखने में। इसके हम कुछ इस तरह से पीस काट लेंगे। कट टोस्ट बनाने के लिए हम लेंगे ब्रेड 6 स्लाइस, 1 कप बंधा हुआ दही, 1/2 कप बारीक कटा हुआ कुकम्बर, 2-3 हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार,
सबको मिक्स करके दही के अंदर सबको मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर हम आधा कप कोकोनट पाउडर भी डालेंगे। दही, कोकोनट पाउडर, कुकुम्बर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आप इमीडिएटली बना रहे हो तो फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। फिर इस ब्रेड के ऊपर इस मसाले को फैलाकर तवे के ऊपर थोड़ा तेल और करी पत्ता राई डाल के उसको दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। गोल्डन कलर का होने के बाद नीचे उतार के उसको कटिंग करके टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। अब आपको मैं सिखाऊंगी गार्लिक चीज रोल। ये भी बहुत इजी तरीके से बन जाता है। इसके लिए हम लेंगे ब्रेड, कुछ बड़ी साइज की हमें ब्रेड लेनी है और किनारों को साफ करना है। ब्रेड के किनारे हटा देंगे। उसके ऊपर हम लगाएंगे गार्लिक चटनी। ये मार्केट में अवेलेबल है गार्लिक चटनी। अगर नहीं है तो आप इसको बहुत इजी तरीके से घर पे भी बना सकते हो। अगर गार्लिक चटनी आप नहीं खाना पसंद करते हो तो आप इसकी जगह कोई भी मायोनीज भी ले सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर पिज्जा सॉस, शेजवान चटनी, कोई भी तरह का एक फ्लेवर आप ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। जैसे मैंने ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड कर दिया। कुछ इस तरह से ब्रेड पे लगा दीजिए। अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा लगा दीजिए, नहीं तो थोड़ा कम। क्वांटिटी में हमने गार्लिक चटनी लगा दी। इसके ऊपर एक आलू, आलू लिया मैंने उबला हुआ, कुछ इस तरह से लंबा फ्रेंच फ्राई के जैसे काटना है। अगर आप आलू नहीं पसंद करते तो उसकी जगह पनीर भी ले सकते हैं या फिर बेबी कॉर्न भी ले सकते हैं, बॉईल किया हुआ बेबी कॉर्न या फिर बॉईल किया हुआ आलू। कुछ इस तरह से मैं इसका रोल बना लूंगी। ये आपका रोल तैयार हो गया। हाथ से दबा के पूरा सेट कर दीजिए इसको। इसके ऊपर मैंने आलू के ऊपर चीज डाला। इसको रोल कर दीजिए। रोल के ऊपर हम लगाएंगे बटर। काफी अच्छे लगते हैं खाने में और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। बटर दोनों तरफ लगा लीजिए और इसको बेकिंग ट्रे पे रख दीजिए। बटर या घी कुछ भी स्प्रेड कर दीजिए इसके ऊपर। कुछ इस तरह से मैंने पूरे में बटर स्प्रेड कर दिया और इसको मैंने बेकिंग ट्रे पे रख दिया। इसको हम बेक कर लेंगे। इसको ओवन में रख दीजिए। 180 पे मैंने इसको करीब 5 मिनट के लिए इसको मैं रोस्ट करूंगी। 180 पे 5 मिनट्स। गार्लिक चीज रोल बनाने के लिए हमें लेना है ब्रेड स्लाइस 6 पीस, 6 टुकड़े आलू के लंबे कटे हुए, चीज आधा कप, गार्लिक चटनी और थोड़ा सा बटर। सबसे पहले ब्रेड की किनारा हटाएंगे, उसके ऊपर चटनी लगाकर उसके ऊपर आलू की स्लाइस और अच्छे से उसको रोल करेंगे। चीज भी अंदर आलू के ऊपर लगा लेंगे। रोल करने के बाद ऊपर बटर लगाएंगे। बटर लगा के ओवन के अंदर उसको गोल्डन कलर का होने तक सेक लेंगे और गरम गरम टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। अब आपको मैं तीसरी रेसिपी सिखा रही हूँ जिसका नाम है ब्रेड पफ। ब्रेड पफ भी बहुत इजी तरीके से बन जाता है और काफी यमी लगता है खाने में। इसके लिए हम लेंगे, सबसे पहले एक बैटर बनाएंगे जिसमें मैंने लिया है 1/2 कप बेसन, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं या फिर चावल का आटा, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा नमक और हरा धनिया। इन सबको मिला के मैंने पानी से इसका घोल बना लिया। घोल थोड़ा सा पतला रखिए, ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। इसमें मैंने लिया है, वापस बोल रही हूँ, बेसन, कॉर्नफ्लोर का आटा, थोड़ा लाल मिर्ची, अजवाइन थोड़ी सी, नमक और हरा धनिया को मिला के पानी से घोल बना लिया। ब्रेड के अंदर स्टफ करने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली है। जैसे इसमें मैंने लिया है 1/2 कप पत्ता गोभी, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप शिमला मिर्ची, 1/2 कप टमाटर, 1 टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, 3 से 4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला,
नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, इन सबको मैंने साथ में मिक्स कर लिया। और इसमें आप चाहे तो आधा कप बारीक कटा हुआ पनीर, कसा हुआ पनीर, या फिर आधा कप कसी भी चीज ले सकते हैं। तो मैंने इसमें चीज ली है, आप चाहे तो उसमें पनीर भी ले सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए कुछ इस तरह से। और ब्रेड के ऊपर लगाइए। थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मसाला लगाइए, क्योंकि ये मसाले का टेस्ट काफी अच्छा लगता है और इसमें मसाला का फ्लेवर ज्यादा आना चाहिए, ब्रेड का कम। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा मसाला फैला लिया। इसके ऊपर दूसरी ब्रेड को कवर कर दीजिए कुछ इस तरह से। कुछ ऐसा फ्राई पैन लिया हमने, इसमें करीब 2 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया, 2 से 3 चम्मच इसमें तेल डाल दीजिए। ब्रेड के ऊपर कुछ इस तरह से गोल को फैलाइए। एक थिक लेयर इसकी बेसन की बना दीजिए इसके ऊपर। और इसको उठा के गरम तेल के ऊपर रख दीजिए। तेल ऑलरेडी गर्म था तो मैंने गैस बंद कर दिया था, अब मैंने गैस फिर से शुरू कर दिया और इसके ऊपर फिर से बेसन की परत। साइड में भी थोड़ा थोड़ा बेसन लगा दीजिए। देखिए पूरी अच्छे से हमारा बेसन इसके ऊपर चिपक गया। गैस को कम रखिए और अच्छे से सिकने दीजिए इसको। एक तरफ हमारा सिक गया थोड़ा, तो मैंने इसको पलट दिया। अब दूसरी तरफ सेक रहे हैं और दोनों तरफ हमें अच्छा गोल्डन कलर तक सेकना है, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाएगा। फिर ब्रेड पफ हमारा तैयार है, इसको कुछ इस तरह से बीच में से काट लीजिए और ये आपका पफ बन गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी। इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी कुछ इस तरह से, टोमेटो सॉस, बीकानेरी भुजिया पे, इसको आप बीकानेरी भुजिया पे डिप कर लीजिए। मैं हाथ से लगा रही हूँ, चाहे तो उसके ऊपर ऐसे चिपका दीजिए। ये आपका पफ बन गया। ब्रेड पफ बनाने के लिए हमें लेना है कुछ सब्जियां, जैसे बारीक कटी हुई 1.5 कप सब्जियां, टमाटर, कुकम्बर, शिमला मिर्ची, कैबेज, हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया, टमाटर, चाट मसाला थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, आधा कप ग्रेटेड चीज, नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को ब्रेड के अंदर भर के दोनों तरफ सैंडविच करके उसको बेसन के घोल में लपेट कर तवे के ऊपर सेकेंगे। दोनों तरफ अच्छे से सेकने के बाद कटिंग करके धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आज आपको मेरी तीनों रेसिपी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने बनाना सिखाया। तो आप भी बनाइए और अपने आने वाले घर पे मेहमानों को खिलाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। अब मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ, नमस्ते।